बॉलीवुड में और फिर इंटरनेशनली रेनाउंड कान फिल्म फेस्टिवल में अपने टैलेंट के बलबूते पर स्टैंडिंग ओवेशन लेने वाली ऋचा चड्ढा इज ऑन आवर लिस्ट टुडे और आज हम रिवील करेंगे फ्यू अननोन फैक्ट्स अबाउट हर। नंबर 10, ऋचा चड्ढा का जन्म दिल्ली में हुआ था मगर 2 साल की उम्र से वो अमृतसर में रहने लगी। नंबर 9, ऋचा ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली की यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद वो अपना सपना पूरा करने मुंबई आ गई। नंबर 8, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने से पहले ऋचा ने एक पॉपुलर मेंस फैशन मैगजीन में इंटर्नशिप भी की। नंबर 7, ऋचा को अपनी इंटर्नशिप के दौरान काफी बॉलीवुड एक्टर के इंटरव्यूज लेने पड़ते थे और आपको जानकर हैरानी होगी दैट ड्यूरिंग हर इंटर्नशिप उन्हें एक्टर अभय देओल ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। नंबर 6, इंटरेस्टिंगली अ लिटिल लेटर ऋचा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू अभय देओल के ऑपोजिट ही किया इन द फिल्म ओए लकी लकी ओए। नंबर 5, ऋचा के बारे में एक अनयूजुअल बात है कि वो अपने हर रोल की डिमांड के हिसाब से परफ्यूम यूज करती हैं। नंबर 4, अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऋचा इत्र यूज करती थी मेड ऑफ जैस्मिन फ्लावर्स और फुकरी के लिए शी वोर प्रोएक्टिव परफ्यूम और संजय लीला भंसाली की रामलीला के लिए शी यूज्ड अ परफ्यूम कॉल्ड म्यूजिक। नंबर 3, ऋचा को 2 फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड से नवाजा गया था उनकी पॉपुलर कैरेक्टर नगमा खातून के लिए फ्रॉम द फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। नंबर 2, गैंग्स ऑफ वासेपुर की रिलीज के बाद ऋचा को 11 फिल्म्स ऑफर हुई थी। ऋचा को उनकी फिल्म मसान के लिए इंटरनेशनल कान फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली थी। नंबर 1, ऋचा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स की ज्यूरी पैनल में यंगेस्ट एक्ट्रेस हैं। नॉट ओनली दिस, वो कान में 3 साल तक पार्टिसिपेट भी कर चुकी हैं। ऋचा चड्ढा ने अपनी इनोसेंट रस्टिक और मेथड एक्टिंग चॉप से बॉलीवुड के साथ साथ इंटरनेशनली भी धमाल मचा दिया है। वी होप ऋचा यू ही सक्सेस से रूबरू होती रहे।